मैंने आपसे बात की थी कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रमजान में क्या क्या जो है वो कारनामे हुए उसके ऊपर मैंने अपने सारे जो है वो रिव्यूज देने हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पहली वीडियो में बताया था, आज हमने बात करनी है सलमान खान के गाने के बारे में। यानी कि सलमान भाई का गाना आप लोगों को पता है, सब लोगों ने सुना होगा। माशाल्लाह से सलमान भाई ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है हमारी पेट पे लात मारने के लिए। जब मैंने भाई का गाना सुना तो मुझे ये लगा कि मैंने ये आवाज पहले भी कहीं सुनी हुई है। किसकी याद आ गई, अल्लाह माफ करे। तो बात हो रही थी सुरों की। सुरों के मामले में तो वैसे आप लोगों की अपनी बहन भी माशाल्लाह से खुद कफील है। वैसे तो मैं सलमान भाई को अपना जो है वो गुरु मानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग मेरी आवाज भी सुन सके तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी और सलमान भाई में हम दोनों में से कौन जो है, किसके सुर जो है वो सबसे ज्यादा पक्के हैं। तो सलमान भाई, भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। देखा फिर कितने पक्के सुर हैं मेरे। खैर, तो बात हो रही थी भाई के गाने, तो भाई का गाना सुनते ही मेरे कान में बोल पड़े मैं मरी जाऊंगा भगवान बजाओ। भाई वैसे हमारे बेचारे बड़े मासूम हैं, उन्हें पता नहीं किसने इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि भाई आप गाना गाना शुरू कर दें। अच्छे खासे भाई आप लगे हुए थे, आप हिरन मार रहे थे, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड को मार रहे थे, आप फुटपाथ के ऊपर गाड़ियों को चढ़ा रहे थे, आप किस काम में आ गए हैं? अरिजीत के चक्कर में मुझे लगता है भाई आपने जो है ना ये बहुत गलत काम शुरू कर दिए। उस बेचारे का तो वैसे खाना खराब हुआ पड़ा है आपकी दुआ से। मेरा मतलब है कि आप दुआ करें उनके उसके लिए भी कि उसका भी काम जो है वो अच्छा हो जाए। मुझे तो लगता है ये जो जैकलीन है ना, यही फप्पे कुटनी है, यही भाई को जो है ना वो गलत कामों की तरफ लगा रही है। ये देखो जरा गाने में भी कैसे गंदे गंदे इशारे कर रही है भाई के, भाई को देख के। लेकिन भाई हमारे भाई जो है वो सख्त लौंडा है, वर्जन है भाई। भाई वर्जन थे, हैं और रहेंगे। तो भाई ने जो है वो राइट अवे जैकलीन का जो है ना वो उन्होंने काम जो है वो सीधा कर दिया कि बहन तुम देखो जरा, बिल्कुल तुमने घबराना नहीं है, पेंट को उतारना नहीं है, इसको हम लोग टाइट करके रखेंगे। तो भाई ने अपनी जो है वो बेल्ट उसको दान कर दी। वैसे मुझे इस गाने में इस बात की समझ नहीं लगी कि भाई की बेल्ट जो है वो जैकलीन को कैसे पूरी आ गई है। अभी मेरा ख्याल है शायद लॉजिक वैसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड का गाना है, माशाल्लाह से हम लोगों को फिल्मों में लॉजिक की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप चलती है। वैसे आप लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि भाई माशाल्लाह से कोरोना का पहले भी ये गाना गा चुके हैं। सुनो जरा, प्यार करो ना, I am like an angel, एहतियात करो ना, mankind's angel, बोगे अबू मैं मर गई थे, हाय मेरे अबू, हाय मेरे अबू मैं मर गई थे। रमजान से तकरीबन एक हफ्ता पहले पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है वो खुल चुका हुआ था और उसमें भी दे मार 4.5 हो गई है। इमरान खान ने भी बेचारा पागल हुआ पड़ा है कि जी हमारी आवाम के पास पैसा नहीं है, आवाम हमारी गरीब है। और हमारी गरीब आवाम ने, क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि हमारी गरीब आवाम ने पहले 4 दिनों में, सिर्फ 4 बड़े शहरों की बात कर रही हूँ मैं, लाहौर, कराची, पिंडी और फैसलाबाद, इन 4 बड़े शहरों में हमारी गरीब आवाम ने 32 अरब रुपए खर्च किए हैं शॉपिंग के ऊपर। सैफ भाई वाओ वाली बात नहीं है, ये तो डेले बाहर निकालने वाली बात है। पाकिस्तान में आकर तो कोरोना बेचारे की बस हो गई है। कोरोना के खिलाफ हमारी आवाम अपनी जान हथेली पर लेकर इस तरह से निकले हैं कि कोरोना भी अब अंकल मजबूर की तरह हाथ जोड़ जोड़ कर कह रहा है मेरी जान निकल जाती है यार, यार मेरी जान गई, या छोड़ दो यार, बस छोड़ दो। गवर्नमेंट ने तो बेचारे ने बड़ा जोर लगा लिया, लेकिन हमारी जीदार कौम ने जो है वो बाहर निकल के यकजा होकर एक दूसरे के साथ इस तरह से लग लग के कोरोना का खात्मा करने का जो है वो फैसला किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात हो रही है ईद के चांद की। आप सब लोगों को पता है कि हमारे यहाँ ईद का चांद जो है वो कितनी बड़ी जो है वो एक वो लेकर आता है, जहाँ हम लोगों के लिए, अवाम के लिए जो है वो एक बड़े मजे का एक इवेंट होता है कि चांद नजर आएगा और ईद होगी। वहीं हमारे मौलवी साहब जो है उनके ऊपर पूरे 1 साल के बाद मेरा ख्याल है एक ये काम ऐसा होता है जिसपे पूरी आवाम उनकी तरफ देख रही होती है कि क्या बनेगा यहाँ पे। लेकिन इस दफा
माशाल्लाह से हमारे फवाद चौधरी साहब ने जो है एक नया काम किया है, नया तो नहीं, खैर फवाद चौधरी का ये काम है, वो इस टाइप के काम करते रहते हैं, उनको मुझे लगता है वैसे भी ना सुकून नहीं है, उनको ये लगता है कि मुझे जो है वो मीम्स जो है वो मेरे पास होने चाहिए, मुझे लगता है कि उन्हें लत लग गई है वैसे मीम्स की। और दूसरी तरफ हमारे बेचारे मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह करके उनके लिए एक ही तो इवेंट आता है जिसमें उन लोगों को भी कोई जो है वो सेलिब्रिटी समझा जाता है या उनकी भी कोई बात मानी जाती है। अच्छा वो बेचारे फंस गए कि जाएं तो जाएं कहाँ के, टाइम तो उनको पता लग चुका हुआ था फवाद चौधरी की वजह से, बेचारों ने रोते धोते ये मान लिया कि चांद निकला ही था। इस सब में फवाद चौधरी की हालत ये हो गई थी। इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।